बसमिल मैं हूँ सहबिक आज़मी आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब नाजिन आज मेरा वीलाग बड़ा अहम है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह पज़ीराई देते हैं उसी तरह ये हर पाकिस्तानी तक ज़रूर पहुँचेगा हमारी सोलह घंटे रोज़ाना काम करने की जिसे हम इबादत समझ के आप कर रहे हैं इसमें अल्लाह इनशा इस मेहनत में मदद ज़रूर करेगा और हमें कामयाबी देगा लेकिन पहले मैं आपको जल्दी से अहम ख़बरें बता दूँ तफसील से बात उसकी करते हैं फिर तजिए की खान की पहली बड़ी जीत कंपनी हार मान गए जीत किस तरह हुई मैं आपको बताता हूँ आप हैरान रह जाएंगे तहरीक साहब की सत्तर मखसूस नश्तें छीनने का मामला एक आर्जी झटका है तरीकन साहब को इन इंसाफ मिलने वाला है बतौर जमात इलेक्शन कमीशन ने आज स्क्रूटनी लिस्ट से निकाल दिया लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तहरीक साहब का निजाती ग्रुप इन्होंने एक दो नंबरी की एक धोखा देने के लिए एक जाली जमात बनाई है लेकिन अब मजे की बात है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पिशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और उसकी कल इन श्रा है तहरीक साफ बग़ैर निशान बगैर सरबरा के इलेक्शन कमीशन में इस वक्त सियासी जमातों की लिस्ट में शामिल है और इलेक्शन के बाद भी इनके एक बहुत बड़ी वारदात का मंसूबा वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और अमेरिका से भी बड़ी ख़बर मौसूल हुई वो वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इलेक्शन जीत के खान आए तो उसके साथ काम करने में हमें कोई मसला नहीं बहुत बड़ा मामला है ग्रीन सिग्नल है और इस वक्त हालत यह है कि तरीक इंसाफ के पास कोई निशान अगर मिला तो वह उसे अवाम निशान हैदर बना देगी पार्टी कायद भी छीन लिया बंदे भी छीन लिए कागजात भी छीन लिए बल्ला भी छीन लिया लेकिन मैदान में आने से डरे सोलह सियासी जमातें अपने हल्के छोड़ कर भागे मरियम ओकाड़ा से नवाशी मंसरा से फजल रमान पशीन से बिलावल लाहौर से बाकीों को मैं बताता हूँ आप सब मिलकर तरीक इसाफ़ जितने उम्मीदवार नहीं ला सके तहरीक इसाफ़ की उम्मीद सबसे ज़्यादा निकले

जावेद जमान ख़ान का इंतकाल हुआ ना अलून इमरान खान को फोतगी पर घर आने की इजाज़त है क्या वो आजाद है पाकिस्तान की खातन आज़ाद है क्या बलोचिस्तान के मर्द आजाद है वजीरस्तान से पंजाब तक सियासी कारकुनान कारकुनानाफ़ी आज़ाद हैं किसी केस में गिरफ्तार साइफ़र में मअल होने के बावजूद बोगस केस में नैब में खान को रख के जनाजे पर इजाज़त ना देना क्या हम वाक़ आज़ाद है आज़ादी के लिए कायदाजम मोहम्मद अली जिन्हा ने सफर शुरू किया और कहा मुसलमान मुसीबत से घबराता नहीं पाकिस्तान ला इला के नजरिए पर बना गुलामी से निजात देता है काद आजम जैसा पाकिस्तान चाहते थे खान वही अमल कर रहा है आप काद आजम की तकरीर उठा के 1975 उन्नीस सौ पचहत्तर के तक पाकिस्तान चलती रही जो बाद में भुटो जहा ने उसे गायबी करवा दिया इस तकरीर में नज़रिए में ला इला को दोबारा खान ने जिंदा किया इस नजरिए को हकी आज़ादी की जदोजहद चौबीस करोड़ लोगों में देखो तो एक शख्स आजाद है बाकी तो हम सब कैद है पूरे पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग वो लड़ रहा है जो कैद है आज पाकिस्तानी मसीह बरदरी दुनिया भर में जो क्रिसमस मना रही है उन्हें भी क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों आज की अहम खबरें मैं आपके सामने जल्दी से रख दूँ तरीके साहब का एक नया रिकॉर्ड भी लग गया तमाम सियासी जमातों को पिछाड़ दिया सब उम्मीदवारों के रिकॉर्ड कागजात जमा हुए कागजात छीनने का दिन खत्म हुआ आज स्क्रूटनी का शुरू हुई और इमरान खान का खौफ और डर इस कदर कि ये लोग अपने हल्कों में नहीं इलेक्शन लड़ रहे मैं पंद्रह सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ रहनुमाओं की ये पंद्रह सोलह बड़े रहनुमा जो है वो अपना हल्के में नहीं जा सकते हालत इनकी ये है और इसके साथ साथ जो इन्होंने एक इलेक्शन के लिए एक नई जमात बनाकर वारदात करनी है चले उसका मैं जिक्र बाद में करूँगा और नौ मई के बाद जो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बना एक लॉलेस बग़ैर कानून के एक बगैर आयन के जिसमें कोई महफूज नहीं पुलिस गर्दी की एक नई मिसाल है वो भी मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है लेकिन सियासी मैदान सबसे पहले लाहौर का किला जिसे तहरीक आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का करीब नॉमिनेशन पेपर उम्मीदवारों ने जमा कराया जबर के दौर में लोगों को तहसीन पेश करना चाहिए आठ सौ उनसठ सीटें बराह राश में आपको बता चुका हूं तहरीके दो हजार चार सौ चौतीस और अल्लाह ने मेरी पेशन गोई दुरुस्त साबित की दो हजार चार सौ चौतीस नून ली के दो हजार एक सौ चौतीस और पीपल्स पार्टी के एक हज़ार सौ छः सौ इक्यावन और यह बड़ी हैरान कन बात है टी एल पी के भी तकरीबन पंद्रह सौ के करीब जो है वो कागजात नामजदगी जमा हुए जुल्म का बदलाव वोट से लेने के लिए तहरीक साफ वो जमात है जिस पर पिछले छिहत्तर साल में इसके अंदर सख्ती जुल्म पाबंदियां प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग बयान इंटरव्यू कागजा नामजदगी छीनने का सिलसिला ये जारी रहा लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा तरीके इंसाफ के उम्मीदवार सामने कोई खान के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा इनके तमाम दावे जो फैसल वाडा से करवाए मरीम नवाज ने कहा मैं दावा करती हूं तुम्हारा कोई टिकट नहीं लेगा राजा रियाज से करवाए तरीके इंसाफ के टिकट के लिए उम्मीदवार दूरबीन से नहीं मिलेंगे जावेद चौधरी के तजिए करवाए कि उम्मीदवार कहाँ से लाओगे उम्मीदवार मिलेंगे नहीं मोसन बेग सलीम साफ़ी ये सब कहते रहे तरीके साहब को उम्मीदवार नजर नहीं आएगा सुहेल वाइज को सामने ले आए अपने सारे बड़े बड़े सॉरी ले आए लेकिन आपका भाई यहाँ इस कुर्सी पर बैठ के अल्लाह की मदद से आपको बार बार कहता रहा आठ सौ उनसठ डायरेक्ट सीटों पर तरीके तीन गुना लाएगी अलहमदुल्ला ला ने लोगों को झूठा साबित किया और आपका भाई सच्चा मैं देखती हूँ की तुम्हारे जैसे गद्दार टिकट लेने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा आप टिकट देने के लिए खड़े होंगे इमरान खान साहब और आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा ने साबित कर दो हजार चार सौ चौंतीस अब कैलकुलेटर ना ले लीजिएगा थोड़ा बहुत मार्जिन है उसमें आज सूरत हाल यह है कि पूरे पाकिस्तान से नून लीग पीपल्स पार्टी समेत इन तमाम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हम में से कोई इलेक्शन खान के खिलाफ नहीं लड़ेगा दो मिनट के लिए भूल जाए खान को सनम जावेद मरियम नवाज उसके सामने भाग रही है जहाँ कागज़ वो जमा कराती है मरियम भाग जाती है इन लोगों की ज़रूरत नहीं है ये लोग खान के वर्करों के सामने इलेक्शन लड़े ये लाहौर का किला बनाते थे आलिया हमजा सनम जावेद इमरान ख़ान एजाज चौधरी सलमान राजा हमाद अजहर यासमिन राशिद ये कराची में शहबाज शरीफ मुस्तफ़ा कमाल और कादर मंदोखेल है और बिलावल भुट्टो के मुकाबले में लतीफीफ़ोसा लड़ रहे हैं मुल्तान में जहागीर तरीन जावेद आशमी और आमिर डोगर मुल्तान में जैन कुरेशी और अली मूसा गिलानी गुजरात में चौधरी परवेज़ अल और सालिकसैन टैक्सला में गुलाम सर खान और चौधरी निसार का मुकाबला है नवाज शरीफ आज़म स्वाती के और फजलोरहमान अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कोडी का मुकाबला है शेख रशीद के मुकाबले में अच्छा बड़ी दिलचस्प सूरत्याल है नून लीग का सैनिटर चौधरी तनवीर उसका बेटा दानियाल चौधरी इनकी मुलाकात की बात हुई शेख शीशद की हमायत करेंगे एक हल्के में दूसरे में शेख इनकी करेगा नवाज शेख को पता चला बरस दान्याल का टिकट मनसूख की बातें आने लग अब देखिए इमरान खान ने वाजे कहा कि शेख रशीद के मुकाबले में पिंडी में दोनों हलकों में उम्मीदवार पी टी आई खड़ा करेगी अगर शेख शीद नस्ली और असली का दावा करते हैं तो पी टी आई के हक़ में बैठ जाए फैसलाबाद में सुन्नी तहत कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तमाम उम्मीदवारों को फ़ाइनल करने की लिस्ट खान ने उन्हें कहा करो वो लिस्ट पूरी फहरिस्त बना के इमरान खान को भेजेंगे उनतीस को ये फाइनल होगी आठ नशस्तें लाहौर की आलि शरीफ के पंजों से हमेशा के लिए आज़ाद हसान न्याजी का मुकाबला याद सादक से है साद रफ़ी के मुकाबले में लतीफ़ खोसा है रोहेल असकर के मुकाबले में सलमान एकम राजा है शहबाज शरीफ के मुकाबले में यासमिन राशि है और इन लोगों को देखिए इस वक्त पाकिस्तानी अवम से जहाज समझ कर वोट के जरिए अपने वोट पुरमन दा से इसको जुल्म का बदला लेगी तरीके साहब है खुशत जमात कभी ये साफ शफाफ नहीं हो सकती शुक्रिया अदा करें जनरल बाजवा का जिसकी वजह से आज नाकारा लोग कचरे में चले गए और असल लीडरशिप जो सामने आ गई असल लीडरशिप इलेक्शन का नतीजा इन ताकतवर लोगों की उम्मीदों के खिलाफ आएगा इन शाला मैं यहाँ को बड़ी अहम बात बताऊँ कि अमरीका से मतलब देखें जो लोग अमरीका में बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े गहरे तल्लक रखते हैं मैं आपको बड़ी यकीन से कह रहा हूँ उनका यह कहना है कि अमरीका खान की जीत से कोई मसला नहीं अमरीका के साथ तल्लक साहब तो बाजवा ने करवाए थे साइफर के मामले पर आपको पता है वो छो अमेरिका के साथ बर रास्त तो कोई मामला ऐसा तनाजा नहीं था अगर तुर्की के साथ अमेरिका के तल्क कायम हो सकते हैं तैयब अर्दगान के साथ जो खुलकर अमेरिका की मुखालफत करते हैं तो खान के साथ भी हो सकते हैं। ये अल्फाज थे उनकी और अमरीका की तारीख है ये हमेशा मुत करते हैं बैठ के बात करते हैं चाहे वो अफगानिस्तान हो बेशक अब बड़ी मिसाल नवाशी साहब आठ फरवरी से पहले भी फरार हो सकते हैं और इलेक्शन के तीसरे दिन भी फरार हो सकते हैं ये याद रखी बातें अब दो तरह के इम्तहान हैं तरीके इंसाफ के देखें एक तो कोर कमेटी पार्लियम बोर्ड का दूसरा पाकिस्तान इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का अब दोस्ती रिश्तेदारी नहीं देखनी सिर्फ टिकट हकदार लोगों को देना है एक हल्के में बहुत बहुत से लोग खड़े होंगे असल हकदार कौन है इसका फैसला आप खुद करेंगे एक दूसरे से लड़ने की बजाय आप एक दूसरे के हक में बैठे अगर आप वाकई पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं खान का जो फैसला हो उस तस्लीम खाम करे क्योंकि आप पाकिस्तान से मुहब्बत करते हैं ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का मामला नहीं आपके ईमान का इम्तहान है जो लोग कमजोर हैं जिन्हें अपनी जान अपनी फैमिली अपने रिश्तेदार जिन्हें जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं होती वो वह इंसाफ का टिकट मत लें जो लोग तहरीक इंसाफ की टिकट लेकर हर हॉर्स ट्रेडिंग करके पैसे कमा के बिकेंगे वो समझे कि अवाम उनके ऊपर पैसा लगा के उन्हें जितवाए और वो जाके वो असेंबली में जरदारी से पैसे ले लें वो अभी से पीछे हट जाएँ अगर आपके हल्के में तीस चालीस हज़ार लोग आपको खान के नाम के अलावा नहीं जानते तो आप टिकट लेने की कोशिश ही ना करें देखा कश्मीर में एक रिक्शे वाले ने टिकट लिया था तीन करोड़ से मिला उसने वो फोरन वहां वो टिकट अपना बेच दिया बाद में तो माली एतबार तो से अगर आप गरीब हैं एक करोड़ पे आपके लिए सब कुछ है तो खुदा के लिए आप टिकट ना लें अब जितने मर्जी मकबूल हो कागजात जमा करवाने वाला तरीके इंसाफ का अपने आप को उम्मीदवार ना समझे ये बाजी खून की बाजी है माल की बाजी है जान की बाजी है इज्जत की बाजी है। ये सिर्फ वो लड़े जो लड़ सकता है यार एक बस का काम नहीं है इसलिए बराए मेहरबानी अपने आप को इम्तान में न डालें कौम को इम्तहान में ना डालें और अवाम को भी इम्तान में न डालें अवाम ने अस्सी फीसद वोट लाजमी देना है अगर आप बीस फ़ीसद घर पर बैठ गए तो इसका मतलब आपने बीस फ़ीसद इमरान खान के मुखालफन पाकिस्तान के दुश्मनों का साथ दिया नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत किसी सूरत में मना, बनने को तैयार नहीं है वो सोलह महीने जो तबाही उनकी मची वो तजर्बे से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अब जरदारी को नवाज शरीफ किसी सूरत इतदार में शामिल नहीं करेगा सादा अक्सरीत मांग रहा है सादा अक्सरीत आ नहीं सकती अब ये फटा बहुत बड़ा होगा आपको नजर आने लग जाएगा दो दिनों में आठ फरवरी का इलेक्शन धांधी का एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा आपने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा इस्तेकाम नून लीग पीपल्स पार्टी जे यू आई अभी के पी के में अफगान महाजरीन के नाम पर इन्होंने नकली कार्ड्स बहुत सारे बना लिए ये वारदात करेंगे पंजाब में जो पैंतीस पंक्चर की बात थी वो एक दफ़ा फिर ये करेंगे बलोचिस्तान जहाँ सी पैक चीन का मामला है वहाँ इलाकों में ज़्यादा जोर डालेंगे जहाँ गोस्ट वोट इन्होंने बना के रखे हैं जहाँ बर्तरी का मार्जन कम होगा वहाँ ये वोट डाल दिए जाएंगे इस इलेक्शन में मजहबी टच भी इस्तेमाल होगा और यहां मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने हूं अगर तहरीक इंसाफ किसी भी मसलक के साथ इतहाद करती है चाहे वो मसलक कोई भी हो सुन्नी तहादाद के ज्यादा हामिद रजा की जमात हो या मजलिस वादते मुस्लिम लामा राजे नासर अबास की जमात हो तरीके इंसाफ के बैकअप प्लान पर आप लोगों ने अमल करना है हर सूरत में करना है पाकिस्तान को जिस तरह इमरान खान ने जोड़ा है सुन्नी शी वहाबी बरेलवी दोबंदी पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं सिंध पंजाब पख्तून गिलगित बल्तिसान आज़ाद कश्मीर ये सारे के सारे खान के नज़रिए पर हैं तो सूरत हाल ही है किसी भी सियासी जमात किसी भी मजहबी जमात के साथ आपका इलाहा हो आपने उस नजरिए पर खड़ा होकर खान को यह आपको जन्त की टिकटें भी बांटेंगे ये नवाब और सरमाएदार आपके जनाजों में शादियों में भी आएँगे दोबारा वारदात करेंगे बरदरी इज्जम भी चलाएंगे, सबाइत का कार्ड भी इस्तेमाल करेंगे चौधरी पंजाब बलक बाट ये सारे शुरू होंगे और बदमाशी भी होगी लेकिन इस तमाम मरहल में आपने याद रखना है पंजाब में जो खुतिन के साथ हुआ आपने कौमी असम्बली में देख लें, मखसूस नशस्तों का जो शेड्यूल जारी हुआ है पच्चीस से तीस दिसंबर तक जारी रहेगा जिनके नाम तरजीहती लिस्ट में सिर्फ उनके कागजात नामजद करेंगे इसमें इन्होंने तहरीक साहब की सत्तर नशस्तें छीन ली लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अदालतें खुली हुई हैं और कोई ज़रूरत नहीं करेगा ये झूठे मुकदमात में इलेक्शन से आपको रोक सके तरीके इंसाफ के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कागजात नामजदगी जो जमा हो उन पर एहतराज़ा भी लगेंगे आप अपीलों के लिए तैयार हैं अपने तइद के नंदा और तजवीज़ नंदा की हिफाजत करें उन्हें बस महफूज़ रखें और इसका आखिरी इनका हल ये आपको मायूस करना है तो आपके पास ऑप्शन सारे मौजूद है अगर नहीं है तो फिर बैठ के जियो या बैठे ड्रामे देखिएगा आठ फरवरी को और रात को पूरे निज़ाम को गालियाँ देख के सुबह उठ के फिर ज़लालत मिलने के लिए बाहर आ जाइए लेकिन अगर आपने अपने खानदान अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ सुबह पांच बजे पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हुए और शाम को पांच बजे घर नहीं आना वहीं रहना तो फिर जीत आपकी है इनकी आखिरी वारदात क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूं ये बहुत सारे लोगों के कागजाते नामजदगी जो जमा नहीं करवाए बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी क्यों नहीं जमा करवा रहे फैसलवाडा श्री मजारी असद उमर चौधरी सरवर ये चौधरी शुजात के खाकान अबासी के मफ्ता इसमाईल के नैयर बुखारी के आसफा बुढ़ी पूरी एक लिस्ट है ये तकरीबन इतने लोग बनते हैं कि नई इसम्बली वजूद में आ सकती है नई सियासी जमात बन सकती है ये इनका आखिरी हल होगा जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करेंगे छः महीने के बाद आपको ये नई सियासी जमात बनाकर ज़िमनी इंतबात में इलेक्शन में लड़के इनको ले जाएंगे ये मेरे वीडियो का टुकड़ा संभाल के रखिएगा लेकिन अल्लाह करेगा उसकी नौबत नहीं आएगी मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बयान दिया था आपको याद होगा कि नई सियासी जमात बनाने के लिए फिलहाल वक्त नहीं है तो ये वक्त पूरा कर रहे हैं इनको वक्त बस मिल जाए नौ मई का वाक्य धुंधला चुका है लोगों को सिर्फ अब एक तारीख नजर आ रही है वो है आठ फरवरी तमाम सियासी जमातों के लिए इनकी सहूलतकारी के लिए आठ फरवरी एक सानिया होगा बहुत बड़ा ये याद रखे ये आले शरीफ जरदारी आपको वाकई मुल्क से इनशाला भागते हुए नजर आएंगे सुहेर बड़ा कहता है खान की हुकूमत इसलिए गिराई की मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रही थी ना गिराते तो श्रीलंका या अफ्रीका बनता और शर्म करें या तो अपने पास गूगल खोल के देख लें इमरान खान की हकूमत इकतसादी रिपोर्ट जो खुद शहबाज शरीफ ने जारी की वो देख ले पाकिस्तान की इकानमी दुनिया की दस बड़ी इमरजिंग मीशत में बन चुकी थी ये वर्ल्ड बैंक और मोदी की रिपोर्ट पड़ी है पता नहीं फेल वडाई कहाँ से पढ़ता रहा आज अगर इसके हालात देखने इसके देखने तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से चार गुना पीछे जा चुका है और श्रीलंका से नीचे है ये कौन से घाना और उनके मुल्कों से ज्यादा महंगाई है जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में एक फेल रियासत के तौर पर देखा जा रहा है आज खान के मामूफ होते हुए अलीमा खान की दरख्वास्त जनाजे पे आने दें ये जाने देंगे ये फेल रियासत है जो अफरीदी घर तीन जनाजे हुए मियाँ आबाद फारूक को जिस तरह जेल से लाया फरजाना को सर एम पी को अपने खामन की मैय पर तो रोने नहीं दिया इन लोगों ने कितने ऐसे जेलों में कैद लोग हैं जिनकी प्यारे इस दुनिया से रखसत हुए बीमार हुए उन्हें नहीं मिलने देते तो खान को तो ये सवाल ही नहीं पैदा तो निकलने देंगे लेकिन जो लोग कहते हैं ना आले शरीफ के साथ वो झूठ बोलते बकवास करते हैं मुशरफ ने भी इजाजत दी थी कि वालदेन के जनाजे पर जाओ भाई की हुकूमत में नहीं आया दो हजार अठारह में आले शरीफ फौज आपको पता है जब फौज की जेल में था खान की नई नई हुकूमत थी खान ने उस वक्त भी नवाज शरीफ की बीवी की वफ़ात पर पांच दिन घर में रहने और ताजियतें वसूल करने की इजाजत दी थी नवाज शरीफ बायदा तौर पर एक मुजरिम झूठा हुआ उसको सुनाई गई सजा थी उस वक्त सजा याफ्ता था खान के ऊपर ना केस है जबरदस्ती जेल में बिठाया हुआ है और देखिए नौ मई का सबसे बड़ा नुकसान ही है आज पुलिस का हाथ खुल गया रियासत का हाथ खुल गया वो लाहौर के प्राइवेट अस्पताल में देखें डीजी जी क्राइम यूनिट का वो रिटायर्ड लियाकत अली जिसका वालिद बीमार था वो डॉक्टरों से तलकलामी हुई पूरा अस्पताल उन्हें तोड़ फोड़ मरीजों को जरगमाल साफियों पर तशद सी सी टी वी कैमरे तोड़ के ले गए खुद डी ए जी की पीछे आवाज़ें आ रही हैं सबसे बड़ा मसला ये है तरीक़ान साफ़ के रहनमाओं के घर नजर जिन्हें नहीं आए आज लाहौर के अस्पताल में देख लें व शायर ने बड़ा खूब कहा है लगे आग तो आएँगे घर बहुत से जद में यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है तो फिक्र ना करें ये सारे सिस्टम का सामना करेंगे ये मतलब लियाकत वही शख्स था जिसका थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको खान के घर पर जो धावा बोला गया था वो जिसमें वो कुत्ते का पेशाब शेरू का और उसके बिस्किट को खा गए थे वो सारे इसी की निगरानी में था खान को बल्कि जब अभी गिरफ्तार किया गया वो जो तस्वीर में बैठा हुआ गाड़ी में इस तरफ लेफ्ट साइड पर मुस्कुरा है वो भी यही बंदा है अच्छा इसके साथ कुछ लोग नवाज शरीफ का सालगिह भी मनाना चाहते हैं उस पर जावेद चौधरी साहब की खबर खुद ही देख लें कि नवाज शरीफ का बर्थ सर्टिफिकेट जाली है अगर पहली अप्रैल है इसकी तारीख़ पेदाइश जनरल जलानी से जब मियाँ शरीफ अपने बेटे को मिलाने गया नवाशी को तो शर्मिला था बड़ा आंखें झुकाए आपको पता आज भी यही हाल एतम का पाँच लफ्ज़ नहीं बोल सकता इकट्ठे मरियम नवाज जब तक सामने ना बैठे तो तारीख़ पेदाश जलानी से पूछी जनरल जलानी ने तो पच्चीस दिसंबर था उसे बाद मेरी सालगिरह है आज बाहर निकल के फिर उन्हें नकली सर्टिफिकेट बनाए कि बानिए पाकिस्तान के साथ क्रिसमस के साथ एक तारीख बना लो लोगों को याद रहे जिस तरह आज नैब के सारे केसेस इनके माफ हो गए आप यकीन करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाता है ऐसे हकीकत एक अप्रैल उन्नीस सौ उनचास है इसकी तारीख़ बेदाई जिस तरह इनकी तालीम जाली इनके कारोबार इनके कतरी खाते जाली इनके जराए इनके इनके इनकी प्रॉपर्टियाँ जाली इलेक्शन इनकी सियासत सब कुछ झूठ और फ्रॉड अब दो हज़ार अठारह में कहते हैं इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट लाई नवाज शरीफ के साथ यही हुआ इन पी एम एल एन के साथ ये तरीके हिसाब से जो हो रहा है झूठ बोलते हैं ये लोग दो हज़ार सत्रह में मरियम और नवाज दोनों नायल हुए अपनी मर्जी से हूँ चलाते रहे दो हज़ार बाईस तक दो हज़ार सत्रह से बाईस तक देख ले तरीके साफ की हुकूमत वफाक और पंजाब में उसे तो छोड़े इन्होंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक तोड़ दी और इनकी जब मनी ट्रेल की जायदाद का केस ये जो नहीं दे सके इलेक्शन से दस दिन पहले आके जेल गए तमाम इलेक्शन कंपेन चलती नून का आप कोई एक कारकुन जो गिरफ्तार हो तशद हो घरों में पुलिस हो इनके उम्मीदवारों को किसी ने अलग ज़बरदस्ती किया एक सबूत मुझे दिखा दे जो तरीक इ के साथ हो रहा है किसी के कागजात छीने हों इनका इंतजामी निशान छीना हो इन्हें इलेक्शन से निकाला हो नवाजशी का नाम लेने पर पाबंदी लगाई हो इलेक्शन के दौरान आपको पता है अट्ठासी में तिरानवे में दो में इलेक्शन नॉर्मल हुए जिस तरह दो में हुए ख्वाजा आसफर राना स्नला के केस, आप देख लें आप, आपके सामने किस तरह जीते पचासी और नब्बे के इलेक्शन आ रहा है उसकी बुनियाद पर ही जीते तो ये साफी आपको इस तरह का बयानिया बनाते हैं सारे एक जैसे मुनाफी है ये इसी तरह तरीके इस अठारह हलकों से जमा करवा चुके हैं कागज़ मुनाफिन के अला दर्जे पर जहांगीर तरीन ओम चौधरी फिरदोस साश अवान आमर गानी अख्तर गुलाम सरबर हालात इनके भी आपको पता है जमानतें इनकी भी जब्त है सबकी ये तरीके इंसाफ के साथ नहीं जीत सका दरी जब जा गीत था तो अकेला बेचारा तो इनके बहुत ही बुरे हालात हैं इनके तो लेकिन ये फटा डाल रहे हैं और नवाज शरीफ ने फटा ये डाला कि नौ मई में, में जो लोग शामिल हैं उनके साथ हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते वो तो, तो सारी पार्टी नौ मई के बाद बनी है तो ये किधर जाएंगे तो ये बड़ा बड़ा मामला है स्टेबलिशमेंट पूरी कोशिश करें इन्हें भी किसी तरह घुसाए उनके अंदर लेकिन ये आपस में अभी लड़ेंगे आपको नजर आएंगे कुछ दिनों की बात है इंशाल्लाह कल बड़ा फैसला होगा मुझे उम्मीद है अल्लाह पर इशाला के पिशावर हाँ कोर्ट स्टे दे के तहरीन साहब का सारा मामला ठीक करेगी सारे मामला इन शाला आपको ठीक है दुआ किया करें, करें। अल्लाह ताली पाकिस्तान पर रहम करे जिस तरह अल्लाह ने हमेशा रहम किया है उसके रहमुक्रम से ही सारे मामला हल होंगे अपना ख्याल रखिए मुझे इजाज़त अल्लाह